वर्सेटाइल एक्टर ऋषि कपूर दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। वहीं ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में महज 25 लोग ही शामिल हो पाए। जी हां, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। वहीं इस यात्रा में ऋषि कपूर का पूरा परिवार और उनके 5 रिश्तेदार ही शामिल हुए। जिस दौरान ऋषि कपूर पंचतत्व में विलीन हो रहे थे, उस समय आखिरी विदाई दी उनके परिवार वालों ने। वहीं हम आपको बता दें कि इस दौरान उनके बेटे रणबीर कपूर का क्या हाल हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हमारी इस रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि रणबीर कपूर इस दौरान बेहद ही उदास खड़े हुए हैं, सिर को झुकाए हुए हैं। और वहीं लॉकडाउन की वजह से कोरोना जैसी महामारी के चलते सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। इस दौरान रणबीर कपूर भी अपने पिता को लेकर मायूस खड़े हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर आलिया भट्ट भी पूरी तरीके से रोती हुई नजर आईं। शमशान घाट पर देखा जाए तो ऋषि कपूर का दाह संस्कार जब किया गया, इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा किया गया था। और उस दौरान रणबीर अपने पिता को नम आंखों से एक टक देखते हुए नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर रणबीर की बहन रिधमा इस दौरान नहीं पहुंच पाई। जब ऋषि कपूर को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तब रणबीर की हालत बेहद ही शांत थी, आंखों में आंसू, तो वहीं दूसरी ओर आलिया भट्ट भी पूरी तरीके से रोती हुई नजर आ रही थी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस रिपोर्ट में इन सभी की तमाम तस्वीरें। ऋषि कपूर के जाने के बाद हर कोई उदास है, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा देश ही ऋषि कपूर के जाने का सदमा पैच बल्कि पूरा देश ही ऋषि कपूर के जाने के बाद बेहद ही नम है। देखा जाए तो ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार हो चुका है, वहीं उनके बेटे रणबीर की हालत बेहद ही मायूस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा ही ऋषि कपूर अपने बेटे को बहुत प्यार करते हुए नजर आते थे। सोशल मीडिया पर इन सभी की कई तस्वीरें हैं जिसमें रणबीर हमेशा ही अपने पिता के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए, तो वहीं आलिया भी ऋषि कपूर के बेहद ही करीब थी और इस दौरान रणबीर के साथ वो कदम से कदम मिलाती हुई नजर आई हैं। हमारी इस आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।